हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है यानी सिन्हा और आप देख रहे हैं डेली डूड्स। तो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं बायो इंजाइम्स के बारे में। इस तरह के संतरे के छिलके के आप बायो इंजाइम्स बना सकते हैं और इसका बहुत तरीके से यूज़ आप कर सकते हैं। इसी के बारे में आज हम बात करने वाले हैं अपने इस वीडियो में। तो आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा इस वीडियो में, तो वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इस तरह के जो छिलके हैं वो हम खा के फेंक देते हैं और इसका आप कैसे यूज़ कर सकते हैं इसी के बारे में होगा टोटल वीडियो। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, अगर कोई सवाल है तो आप मुझे वहाँ पूछिए, मैं वहाँ आपको जवाब दे सकता हूँ। तो गाइस, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और मेरे साथ होने वाले हैं प्रवीण मिश्रा जी, जो बताएंगे इसके फ़ायदे। तो चलिए गाइस, ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। सम्मानित नागरिकों नमस्कार, प्रेमपूर्वक नमस्कार आपको। और मैं आपको दुखी नहीं करूंगा और चाहूंगा कि आप भी किसी को दुखी ना करें। तो ये सारी चीज़ें शुरू होगी अपने घर से और अपने लिए, फिर धीरे धीरे ये एक रास्ता पकड़ लेगी और रास्ता के बाद इसके एक व्यापक सार्थक परिणाम आएंगे। बोतल हमारी बचपन से बुढ़ापे तक की ये जर्नी होती है बोतल, और मैं आपको कचरा मचाने नहीं दूँगा। मैं चाहूँगा कि आप भी ना मचाएँ और किसी को भी आप इस तरह से ही मना करें। हम अपने घर से निकलने वाले कचरे को अपने घर में बहुत ही आसान तरीके से मैनेज कर सकते हैं, और इसी मैनेजमेंट के लिए हमारे पास उपलब्ध है ये बोतल। आप जो कुछ भी खा रहे हैं, जैसे ये संतरा है, और संतरा को आप इस तरह से एक बायो एंजाइम में कन्वर्ट कर सकते हैं। बहुत ही आसान से बनने वाला ये बायो एंजाइम आपको आपके घर के लिए, आपके पौधों के लिए, इवन आप जब फर्श की सफाई करते हैं, किचन की सफाई करते हैं, किचन के स्लैब को धोते हैं, या कहीं भी आप इस तरह से आपको चाहिए तो ये उसमें डाल सकते हैं अपने पानी में। फंगस और वायरस का भी ज़माना है, अभी चल रहा है, बहुत ज़्यादा ज़ोर शोर से इसके बारे में चर्चाएं हो रही है। तो आप मान के चलिए इसमें जो माइक्रोब्स बनेंगे, ये माइक्रोब्स आपके घर में, जहाँ तक आपके किसी भी ब्रांडेड जो आपकी आप पोछे में डालते हैं, किसी भी तरह का केमिकल युक्त डालते हैं, उसके मुकाबले ये 4 गुना ज़्यादा कारगर है। जहाँ अनवांटेड चीज़ें हैं और आपकी हाथ तक नहीं पहुँच रही है, आपकी रीच नहीं पहुँच रही है, तो वो केमिकल वाली जो लेयर है उसके बियॉन्ड भी ये काम करता है। कैसे बनाना है इस पर फोकस करते हैं। सबसे पहले आपको लेना है इस तरह के पील ऑफ, जो भी कुछ आप खा रहे हैं और आपका जो कचरा निकल रहा है उसको आप एक जगह कर लीजिए। जैसे कि यदि आप फल ले रहे हैं तो फल का एक वर्ग हो जाएगा, यदि आप सब्जी ले रहे हैं तो सब्जी का एक अलग वर्ग हो जाएगा। इसी तरह से जो हार्ड मटेरियल है उसका एक हार्ड अलग से आप कर सकते हैं, जैसे कि अनार का है, तो सारी चीज़ें आप अलग से ले सकते हैं। आपको इस तरह का बोतल लेना है। मैं आपको 2 लीटर के बोतल पर आपको रेशियो शेयर कर रहा हूँ। यदि आपके पास 2 लीटर का बोतल नहीं है, 1 लीटर भी है तो भी आप काम शुरू कर सकते हैं। तो 2 लीटर के बोतल में आपको लेना है 300 ग्राम तक पील ऑफ। कोई सा भी छिलका ले सकते हैं या फिर हम सिर्फ संतरे का छिलका ले सकते हैं? नहीं, आप जैसे संतरे को एक नींबू वर्गीय में हम लोग काउंट कर देंगे। हाँ। संतरा है, मौसमी है, माल्टा है। हाँ। कागजी नींबू है, ये सारी चीज़ों को आप एक में डाल सकते हैं, ये सिट्रस बन जाएगा आपका। इसको आपने डाल दिया, 300 ग्राम तक पील ऑफ 2 लीटर बोतल में डालना है, और 80% तक पानी डालना है आपको। ऊपर से थोड़ा जगह खाली होना चाहिए क्योंकि इसमें गैस बनेगा, खाली होना चाहिए। और इसमें डालना है आपको 100 ग्राम तक गुड़। गुड़ भी डाल सकते हैं? हाँ, गुड़ भी डालना ही है, बिना गुड़ का बनेगा नहीं। अच्छा। तो आपको 100 ग्राम तक गुड़ डालना है, और इसके बाद आपको इसमें इसको बंद करके एक बार ऐसे हिला दीजिए, अच्छे से शेक कर दीजिए, और शेक करने के बाद इसमें आप एक डेट लिख दीजिए। ठीक है। डेट लिखने के बाद आपको ये मान के चलिए कि 90 दिन इसका टाइम, नॉर्मल टाइम लगेगा, 90 से 120 दिन यदि आपका पूरा ये गलने में, यदि इस तरह का कचरा है तो ये 90 दिन तक लगेगा। इससे थोड़ा हार्ड कोई है तो वो आपको 120 दिन तक भी जाएगा। ठीक है। अब आपको करना क्या है, आपको एक ऑब्जर्वेशन में रहना है कि इसमें जब ये डाला आपने 80% तक, यहाँ पर आपने पानी डाला और ये जगह खाली है तो यहाँ गैस बनेगा। ठीक है। तो ये गैस को आपको बाहर की तरफ ऐसे यूँ खोलना है। यदि आपने ऐसे किया तो ये गैस उड़ के आपके मुँह पर भी आ सकता है, तो आपको ऐसे बाहर यूँ इस तरह से कर लीजिए। और एक सवाल था कि ये गुड़ है वो डिसॉल्व करके डालेंगे या फिर इसी तरह डाल देंगे? नहीं, आप ऐसे भी डाल सकते हैं। हाँ। वो 1-2 दिन में गल जाएगा पूरा ही। हाँ, गल जाएगा और अपना रिएक्शन शुरू कर देगा अंदर। ओके। तो फिर वो काम करना शुरू कर देगा, लेकिन गैस बनाएगा ये गुड़। गुड़ हाँ, तो ऐसे करके आपको निकालना है। हाँ। और जैसे आपने ऐसे कर दिया तो आप एक आइडियल टाइम बता रहे हैं आपको, जैसे पहला आपने 2 दिन में कर दिया, फिर 4 दिन में कर दिया, फिर 8 दिन में कर दिया, फिर 16 दिन में कर दीजिए। ढक्कन ऊपर छेद भी कर सकते हैं? नहीं, छेद करेंगे तो ये गैस नहीं बनेगा।
और गैस बनना जरूरी है। गैस बनना जरूरी है, लेकिन गैस क्यों निकाल रहे हैं ये आपको एक बार शेयर करते हैं। यदि आपने गैस नहीं निकाला तो इतना ज्यादा गैस बन जाएगा कि बोतल को ये फाड़ देगा। अच्छा, हाँ तो बेटर है घर से बाहर ही रखें। हाँ, घर के छत में कहीं कॉर्नर में रखिए। आपको कांच का बोतल नहीं लेना है, प्लास्टिक का कोई मोटा बोतल ले सकते हैं। हाँ, और 2 लीटर का बोतल सबसे कारगर है। फिर भी यदि 2 लीटर नहीं है तो 1 लीटर में भी आप काम शुरू कर सकते हैं, और ऐसे आपको निकालना जरूरी है। ठीक है। यदि आप घर से बाहर कहीं जा रहे हैं और लगता है कि आपको 10-12 दिन के लिए बाहर जा रहे हैं, तो आप जरूर से ऐसे ढक्कन को ढीला करके रख दीजिए ऐसे। ठीक है ना, इस तरह से ऐसे ढीला कर दीजिए और चले जाइए। पूरा ऐसे ओपन नहीं रखिए, आप हल्का सा ऐसे इसको कॉर्क को ऐसे ढीला करके रख दीजिए और ऐसे ही रख दीजिए आप, तो गैस इसका रिलीज होता रहेगा। फिर जब आप आएंगे तो आप टाइट कर दीजिए इस तरह से। ये सारी चीज़ें आपको इसलिए बताता हूँ कि ये छोटी छोटी तरकीब आपके कारगर है, और घर में जो आपका एक मैनेजमेंट है उसको करिए, और शहर को कचरा मुक्त रखने की ये छोटी छोटी तरकीब इतनी कारगर है कि आप इस तरह का बायोएंजाइम बना के अपने आस पड़ोस में भी गिफ्ट कर सकते हैं, जिससे कि ये खुशनुमा माहौल होगा। अब हम एक और चीज़ आपसे शेयर कर रहे हैं कि जैसे हमने सब्जियों का भी लिया है, जैसे ये मटर है, तो आप इसका भी अपना बायोएंजाइम इस तरह से बना सकते हैं। जैसे ये हमारा संतरा का है, ऐसे आप ये सब्जियों पर, मटर पर भी बना सकते हैं, अलग अलग सब्जियों का भी बना सकते हैं, एक साथ कॉम्बाइन करेंगे तो भी बना सकते हैं। लेकिन आप एक चीज़ ध्यान रखिए कि सब्जियों का एक अलग कर लीजिए, फलों का अलग कर लीजिए। मैं बात करता हूँ यूज़ कैसे करना है, थोड़ा उस पर फोकस कर लीजिए। हाँ, यूज़ करना है जब ये बायोएंजाइम बन जाएगा, ये लगभग 90 से 120 दिन के बाद बन जाएगा। तो आपको देखेंगे कि यहाँ नीचे में ये थोड़ा सा बैठ गया है, नीचे की ओर गुदा गल गया बैठ गया है। तो अब आपको इसको छान लेना है, ठीक है? कपड़े से, मलमल के कपड़े से छान लीजिए, या कोई अच्छा सा देखिए कि डबल लेयर का कपड़ा हो, अच्छे से छान लीजिए। जो सॉलिड पार्ट है उसको जब आप मिट्टी बनाते हैं उसमें मिला दीजिए, और जो आपका ये लिक्विड पार्ट है ये कंसनट्रेट है, तो इसको आप कहीं जगह स्टोर कर लीजिए, और जहाँ स्टोर करेंगे वहाँ भी एक गैपिंग जरूरी है बोतल में, ठीक है? क्योंकि फिर वहाँ भी गैस बनेगा, ये ध्यान रखिएगा। और जब भी आपको यूज़ करना है तो आप यदि पौधों में यूज़ कर रहे हैं तो मैक्सिमम 5 to 10 ml आपको 1 लीटर पानी में डालना है, ठीक है? डाल के सेक कर लीजिए, और आप बहुत अच्छे से स्प्रे भी कर सकते हैं, और या तो पानी जब दे रहे हैं तो उसमें भी कर सकते हैं। लेकिन ये पानी आपको हमेशा 21-22 दिन का इंटरवल होना चाहिए यदि आप पौधों में डाल रहे हैं तो। अच्छा। यदि आप घर में पोछा लगा रहे हैं, मान लीजिए कि आपका ये नींबू का है, तो आप घर में भी पोछा लगा सकते हैं, फल का है, इस तरह से आप फूलों का भी बना सकते हैं। तो लिक्विड में से बदबू नहीं आएगी? नहीं, आपको इस वाले में अंतर ये आएगा कि यदि आपने सब्जियों का बनाया तो इसमें थोड़ी बदबू आएगी, ठीक है? लेकिन आपने यदि नींबू का बनाया तो इसका फ्रेग्रेंस अलग होगा, नहीं आएगी। फूलों का बनाया तो इसका फ्रेग्रेंस थोड़ा अलग होगा। ये अच्छी बात। हाँ, ये आप कर सकते हैं। लोगों को अक्सर कंफ्यूजन होता है कि अगर सड़ेगा तो फिर इसमें बदबू आएगी। हाँ जी, पोछा लगाएंगे तो पूरे घर से बदबू आएगी। हाँ, लेकिन देखिए ये ना एक प्रैक्टिकल चीजें भी है। आप देखिए कि आपके पास तो बहुत सारी चीजें हैं, तो किसमें आ रही है किसमें नहीं आ रही है। मैं यदि आपको वीडियो में बताऊंगा तो आपको एक कन्फ्यूजन सी होगी, तो आपको एक मतलब एक दिशा दे रहा हूँ कि आप ऐसे करके खुद प्रैक्टिकल कीजिए। हमने किया है। मना हम क्या करते हैं कि जैसे आपने सब्जियों का बनाया और मिक्स सब्जी का, आपने मिक्स वेजिटेबल्स का बना लिया है, तो इसमें ज़्यादा बदबू आती है, तो हम रिकमेंड करते हैं कि आप इसको छत में यूज़ कीजिए। और ऐसे यदि आप फलों के ले रहे हैं या इस तरह से ले रहे हैं, तो आप मान के चलिए इसको आप घर के अंदर भी किचन के स्लैब को या आप अपने जहाँ पर, तो यूज़ करके देखिए, और जब आपको अच्छा लगे तो आप अपने आस पड़ोस में भी ये शेयर कीजिए। पुनः एक बात कि कचरा का मैनेजमेंट और इस तरह से बोतल में और खाली बोतल को इस तरह से बायोएंजाइम में कन्वर्ट करने की तकनीक है। डेली ड्यूट्स में आप देख रहे हैं सारी तकनीक, और आप अपने पड़ोसी को भी ये सारी चीज़ें शेयर कीजिए, जिससे कि आप आसपास होने वाले गंदगी और कचरे से भी बिल्कुल मुक्ति पा सकें और आपका माहौल खुशहाल हो सके। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। पुनः उपस्थित होऊंगा नई जानकारी के साथ। थैंक यू वेरी मच। तो गाइज, आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो यहाँ तक देखा है तो एक लाइक करके ज़रूर जाइएगा। फिर मिलेंगे बहुत ही जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, नमस्कार।